श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली इकाई द्वारा पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का सम्मान किया गया। उनका यह सम्मान किसानों के पक्ष में डटकर स्टैंड लेने के लिए किया गया। इस मौके पर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा और अन्य कई नेता मौजूद थे। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब जाने के बाद कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं के साथ बात की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अभी हमारी पार्टी हम पंजाब जाएंगे, जहां पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग होगी, हमारे वर्कर के साथ मीटिंग होगी और सबके साथ हम बात करेंगे। हमारा संघर्ष किसान के हित में, हम किसान संघर्ष शुरू करेंगे और पंजाब के किसान जो 3 ऑर्डिनेंस हैं इसके विरोध में सड़कों में हैं। हम सब श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि किसानों की पार्टी है, सबसे आगे लगकर ये संघर्ष करेगा। अभी कोई, जब तक ये एक्ट रद्द नहीं होता कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू। बिल्कुल जी, अज श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली यूनिट ने सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का और सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी का धन्यवाद किया है, जो अपनी किसानी जिसते बड़ा वड्डा संकट आया है, जिस दे खिलाफ़ ऐसे कानून पास हो रहे हैं जिदे नाल किसानी का लंबे समय तक नुकसान होगा, उसनों लैके जो श्रोमणी अकाली दल ने अपना स्टैंड बड़ा किसानों नाल खूना ठीक समझा सरकार की बजाय, वो वास्ते जिते असं उन्होंने धन्यवाद दिता किया है, वधाई दें। और किसानी पंजाब का ही नहीं बल्कि देश की रीढ़ की हड्डी आ, और किसानी के मुद्दे जोड़े ने किसानों तो बिना, उन्होंने राय मशुरे तो बिना, उन्होंने कंसेंट तो बिना चंगे काम भी उन्होंने पुछ के ही तय करने चाहिए ने, ताकि किसान की सब तो पहले सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए आ। और अगर किसान किसी किसी तरीके का भी शंका है तो सरकार को पहले शंका कढ़ना चाहिए सी, ऐसा कोई भी कानून बनाने तो पहला। इस करके असी वधाई दें सरदार सुखबीर सिंह बादल जी को।